प्लेट चमचे कटोरी के लिए बनाया गया है। ये बड़ा इसमें नीचे प्लेटें आएंगी, इसमें भी टंडम लगाए गए हैं और टेप लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको भी तैयार किया गया है। और ये नीचे और बड़े सामान के लिए है, ये तीन लगा दिए गए हैं, 4, 6 और 8 तीनों साइज लगाए गए हैं इसके अंदर। और ये पैल में बक्सा बनाया गया है, इधर लेग मशीन, इसमें भी कोई भी बड़ा सामान रख सकते हैं। तो उसको क्लोज करके लगाए गए हैं इसके अंदर भी। और ये नीचे सीट के लिए है, इसके अंदर पाइप लगे गए हैं, अगर आप इसके अंदर डस्ट भी लगाना चाहो तो वो भी लगाया जा सकता है। ये भी सॉफ्ट क्लोज करके लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है। और दोस्तों ये शिपमेंट का रिमोट जी टी फिट होता है वो लगाया गया है इसके अंदर, तीन चीज के साथ प्लेट और नीचे फिल किया गया, बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हुआ है। ये भी इसके भी फिर टूट लगाकर बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है इसको। इसके बाद ये पाव के लिए बनाया गया है बक्सा, इसके अंदर पाव लगाया जाएगा, इसके भी टेप लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जा रहा है। और ये एक छोटा बक्सा बनाया गया है साइड में, इतनी ही जगह सही उसे भी हिसाब से इसको कवर किया गया है। और ये इधर बक्से एल में बनाया गया है, ये बड़ा ऐसे नीचे ऐसे ये ही ऊपर भी एल में बनाया गया है, इसमें भी सॉफ्ट क्लोज का मटेरियल लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है। और ये चिमनी लगाई गई है इसके अंदर, इसमें पंख लगा दिए गए हैं, देखिए चिमनी। इधर भी दो पल्ले इधर लगे हुए हैं इसके अंदर, जो भी बनी हुई है इसके अंदर, अगर आप चाहो तो वो डबल पार्टीशन भी कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहे तो बड़ा ही पल्ला रख सकते हैं। इधर भी साइड में भी एल टाइप बक्से बनाए गए हैं, जो अंदर की तरफ भी थोड़ा सामान रख सकते हैं। दो पल्ले ये पंख वाले बना दिए गए हैं, इसमें कोई भी छोटा सामान जैसे कि ये वाला छोटा साइज का कोई भी रख सकते हैं। बड़े सामान के लिए दूसरे बक्से हैं, ये इधर बनाया गया ऊपर वाले मान के साथ है, बहुत ही अच्छा डिजाइन लगता है। और दोस्तों एक जो इधर बनाई गई है, इसके अंदर भी अगर आप डबल पार्टीशन करना चाहो तो हो सकता है, अगर नहीं करना तो आपकी इच्छा इस हिसाब से। दोस्तों अगर आपको कोई भी हमारा डिजाइन अच्छा ना लगे तो हमको बताना। और इसके साथ आपको बक्सा या कोई भी बक्से का डिजाइन या किसी भी प्रकार का किचन बनानी चाहे तो आप इसके हिसाब से भी बना सकते हैं, और जो जो हमने चीज़ें लगाई है वो भी लगा सकते हैं। अगर आप सिंपल बनाना चाहो तो वो भी बन सकती है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। किचन का बेहतरीन डिजाइन और उसके बारे में आपको ये भी बताएंगे कि हमें किस किस कंपनी का सामान लगाना चाहिए और कैसे पार्टीशन होने चाहिए, किस कैसे नीचे के डोर बनाने चाहिए और नीचे ओपन रसोई कैसे बनानी चाहिए, उसको सफाई करने के लिए या जो भी कोई भी समस्या आए उसके बारे में कुछ जानकारी हम आपको आगे दे सकते हैं। इसके अंदर दो पार्टीशन दिए गए हैं, एक ऊपर और एक नीचे, जो बहुत ही सॉफ्ट चलते हैं। उसके बाद एक इधर दिया गया कैटरिंग के लिए, कैटरिंग के लिए दिया गया है, और इसमें चमचे वगैरह रखे जाते हैं। देखिए दोस्तों चमचे कड़छी के लिए छोटा पार्टीशन दिया है, और नीचे ये बड़ा पार्टीशन है बड़े सामान के लिए, इस पर भी तीनों टैग लगाया गया है। ऐसे ही ये डिजाइन है, ये वाली बास्केट रखी गई है, इस
इसके भी टेंडर वगैरह लगा करके बहुत अच्छे तरीके से तैयार किया है। और इसके ऊपर छोटे मान लें कि अपने छोटे बर्तन के लिए जैसे कप प्लेट वगैरह हो गया, चम्मच, उसके छोटे सामान के लिए एक बास्केट इधर लगाई गई है। और इधर दोस्तों सिलेंडर का बास्केट बनाया गया है, इसके अंदर भी सिलेंडर रखा जाएगा। और ये एयर टाइट बक्सा दिया गया है, इसके अंदर कोई भी हम बड़ा सामान स्टोर कर सकते हैं जैसे कि ऐसे एल में जा करके। दोस्तों इधर हमने जोड़ी लगाई गई है, इसमें दो पार्ट इसमें बनाए गए हैं और इसमें कोई भी छोटा सामान जैसे कि अपने ड्रम वगैरह हो गए छोटे ले सकते हैं। और एक पार्ट इसने बनाया है, ये पूरा ही बड़ा बना दिया गया है, इसके अंदर पार्टी या चोर का ड्रम रखा जा सकता है। और दोस्तों इधर की साइड भी हमने बड़ा हल रखा है, इसके अंदर भी कोई बड़ा ड्रम रख सकते हैं। ये बास्केट दी गई है, इधर हमने ये बास्केट लगाई गई है जो हमारे डस्टबिन के लिए काम आएगी।
आप देख रहे हैं आर एस के वर्किंग।
तो दोस्तों आज हम आपको दिखाएंगे एलईडी का पूरा प्रोसीजर, जैसे कि स्टार्टिंग से किस प्रकार बनाया जाता है और गुडिंग से लेकर सनमाइके तक की पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि कैसे एलईडी पैनल बनाया जाता है। तो आइए देखिए। When I see you dancing, I'm like, hola, 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 hola. With your move fancy, make me wanna hola, 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 hola. I got your attention, spending a hola, 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 hola. I'm a chop top. और
30 इंच की एलईडी लगाई जाएगी। बहुत ही अच्छा डिजाइन है और अच्छे से देखिए
वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे हमारी क्या बहुत ही अच्छा डिजाइन, जिससे आप अपने कमरे में कोई बेडरूम में अगर अलमारी लेना चाहते हैं तो आप इससे कोई आइडिया ले सकते हैं कि हमने किस हिसाब से किस डिजाइन में अलमारी बनानी चाहिए और किस साइज में बनानी चाहिए। देखिए दोस्तों, ये 8x7 की अलमारी हमने तैयार की है और इस पे वाइट और ग्रे की मैचिंग बनाई है और इसमें किस किस टाइप के हमने पार्टीशन बनाए हैं और किस किस साइज के ऊपर का पल्ला है, नीचे का है, पीछे का पल्ला कैसा है और किस किस खाने में किस कितना साइज का बनाया है, हम सबको आपको इसके बारे में बताएंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने हैंगर के लिए बनाया है, इसमें अभी वाइट नहीं लगाने वाला है और ये 2x4 का मसा है, इसके अंदर ऊपर यहाँ पर हैंगर लगा दिया जाएगा। जैसे कि ये हैंगर हमने लगाया है, इस पर कोई भी बैंड या पास आप लगा सकते हो और इस पर ग्रे की मैचिंग भी लग गई है। ऐसे ही इसके नीचे छोटा पार्टीशन बनाया गया है, इसके अंदर कोई भी आप कंबल या रजाई वगैरह अपना शो कर सकते हो। ऐसे ही मेरी साइड यहाँ पर सिंगल कलर दिया है, इसमें तीन पार्टीशन बनाए दिए गए हैं, इसके अंदर आप कोई भी छोटा सामान अपना शो कर सकते हो और इसके नीचे रो बनाया गया है झाड़ू या पोछे की कोई भी दिक्कत ना आए और इसके अंदर दो पल्ले हमने ऊपर हाइट के हिसाब से ऊपर किए गए हैं। इसके अंदर कोई भी रजाई या कुछ वगैरह जो कम समय के लिए यूज किया जाए या लंबे समय के लिए, जैसे इसके अंदर फोटो लगा दिए गए हैं तो लाइट बड़ी ऊपर जाता है और इधर ऐसे ही एक पल्ला इधर है, इसमें भी सुपर लगाए गए हैं और ये बहुत ही अच्छा डिजाइन लगता है, जैसे कि ग्रे और व्हाइट की मैचिंग है। दोस्तों इसको नीचे कर दिया जाता है पल्ले को और इसके साइड में भी ऐसे ग्रे और व्हाइट की मैचिंग ऐसे बनाई गई है, जैसे कि फ्रंट में साइज दिखाया गया है ऐसे ही ग्रे का ऐसे ही साइज है और व्हाइट का भी ऐसे ही मैचिंग बनाई गई है। और दोस्तों, ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है। जो भी दोस्त हमारी वीडियो देखते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन दोस्तों से प्रार्थना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आप देख रहे हैं आरएस की वीडियो। तो दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि आपको अगर अपने बेडरूम में अलमारी बनानी चाहिए तो किस किस साइज की बनानी चाहिए और उसमें कैसे पार्टीशन रखने चाहिए और क्या क्या उसके अंदर कब्जे या हैंडल किस टाइप के लगाने चाहिए। तो आइए दोस्तों, कहते हैं दोस्तों, देखिए हमने हैंडल वाला पार्टीशन बनाया है और ये वाला 4x3 का साइज है पार्टीशन का। तो इसमें उसको पैर लगा करके हैंडल लगा के कपड़े लगाए गए हैं और एक साइड इसके नीचे डाल दी गई है 12 इंच नीचे से ऊपर करके और ये वाली साइज हमने 12 इंच की डाली है इसके अंदर और इसके नीचे भी कपड़े रखे जा सकते हैं और यहाँ पर हैंडल लगा दिए गए हैं, जैसे कि इस पर हम कोई भी पर्स या बेल्ट वगैरह जैसे टांग सकते हैं। तो दोस्तों, इसके ऊपर निचली साइड में ही देखिए, चाहे ऊपर देखिए, ये हमने इस पर सोफर लगाए हैं ऐसे ही, तो देखिए ऊपर वाले पार्टी से मैंने सोफर लगाए गए हैं और इस पर सॉफ्ट क्लोज कब्जे लगा करके बहुत अच्छे से इसको कार्य कर रहा है। तो दोस्तों, दूसरा पार्टी से इसके साथ में ये बनाया है कि इसके अंदर हम कोई भी छोटा सामान जैसे कि अपने फोल्ड करके रखे जा सकते हैं। एक दो तीन पार्टीशन दिए गए हैं इसके अंदर और ये बहुत अच्छा लगता है ये। तो दोस्तों, इसके नीचे हमने रबर दिया है, जैसे हम इसके अंदर कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। स्लाइडर बनाया है इसको, स्लाइडर लगाया गया है इसको देखिए और इसके नीचे छोटा
छोटा पार्टीशन है तो इसके अंदर हमने लॉकर भी बनाया है। इस देख सकते हैं, देखिए दोस्तों, इसके अंदर हमने लॉकर भी बनाया गया है और इस पर भी सब कब्जे लगा करके बहुत अच्छे से इसको भी तैयार किया गया है। और ऐसे ही इसके अंदर नीचे ये बड़ा पार्टीशन बनाया गया है, इसके अंदर हम कोई भी कपड़े या वगैरह रजाई कंबल वगैरह स्टोर कर सकते हैं। देखिए ये बहुत ही अच्छा है और इस पर वाइट और पिंक की मैचिंग की गई है। और नीचे दोस्तों इस पर लेग लगाई गई है स्टील के, ये 6 इंची ऊपर करके लगाया गया है और बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। दूर से देखिए ये पिंक और वाइट की मैचिंग की गई है। और दोस्तों इधर साइड में हमने LED पैनल बनाया है, इस पर सिंपल जैसे कि 32 इंच के हम LED लगा सकते हैं और इसके अंदर लाइट भी लगाई गई है। देखिए ये बहुत ही अच्छा लगता है डिजाइन। इधर साइड से दिखाइए, जैसे कि हमने इसके साइड में मिरर लगा दिया है और इस पर हम ड्रेसिंग का भी काम ले सकते हैं। एक सर्फ ऊपर डाल दी गई है इसके अंदर शीशे की और एक ये नीचे है, जैसे कि बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके ऊपर लाइटिंग लुटी लगा करके बहुत ही अच्छे तरीके से इसको तैयार किया गया है। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, और बेल आइकन को भी प्रेस करना कि आपको कोई भी हमारी वीडियो मिले सबसे पहले। थैंक।